Now we will do the applications of Biot-Savart law. Very very important applications. Okay, generally these type of questions come directly or in the numericals. Okay, but very important these are. पहले ही application हम करेंगे magnetic field due to a straight conductor carrying a current. आपके पास एक straight conductor है, आपने x y ये conductor लिया, यहाँ पर magnetic field निकालेंगे P point पर, ठीक है जी. According to Biot-Savart law क्या formula होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट. आपने एक वायर ली एक्स वाई, उसमें से करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, ठीक है. पी आपने पॉइंट लिया है, यहाँ पर छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो डीएल, ये आपने डीएल एक करंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है. डीएल से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर, और एंगल कितना होता है थीटा. अब हमने सेंटर ले लिया, इस वायर का हमने सेंटर ले लिया सी, ठीक है. इस सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस लेटेड बी ए, कितना लिया, लेटेड बी ए. नाउ सी, ये पॉइंट पी है ना, वो कहता है पॉइंट पी इन एजेस के साथ, ये पॉइंट पी था इन एजेस के साथ, मतलब एंड पॉइंट्स के साथ. एंड पॉइंट ऑफ द वायर इज फ्रॉम डाउनवर्ड साइड इज एक्स, कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है फाई वन, कितना एंगल बना रहा है फाई वन. और ये पी पॉइंट इस वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है फाई टू. ये पी पॉइंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, मतलब करंट एलिमेंट के साथ, ये है, ये कितना एंगल है, दिस इज फाई, दिस टोटल इज फाई वन, एंड अपसाइड इज टोटल इज फाई टू. सेंटर से इस करंट एलिमेंट का डिस्टेंस आपने क्या ले लिया, लेटेड बी एल, क्या लिया आपने एल. नाउ As we know by the Biot-Savart law, mu naught 4 upon 4 pi is ideal sin theta upon r square. Now see here, see this triangle. I have marked this point C, this point as M and this point P. इस triangle में देखो, CMP triangle में देखो, right angle triangle में. Theta plus phi किसके, total तीनों angles का sum किसके बराबर होता है, 180 के बराबर. तो theta plus phi कितना हो जाएगा, 90. एक एंगल 90 है, ये वाला एंगल राइट एंगल है, जैसे आपके पास ये है, ये राइट एंगल्ड है, ये थीटा 2 1 ले लो, ये 90 डिग्री है, तो थीटा प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना. बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों बचे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 90. सो थीटा निकालो यहाँ से, 90 माइनस फाई, फाई को इधर ले जाओ. हमने साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा निकालो. साइन थीटा क्या आएगा, साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई. कॉस फाई निकालो, दिस इज फाई. सी दिस ट्राइंगल अगेन, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए अपॉन आर. तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर. अब आर निकालो यहाँ से, आर क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई. आर को इधर ले जाओ, कॉस फाई को इधर ले जाओ, आर ए अपॉन को वन अपॉन कॉस फाई को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड फाई. ओके, सो आपके पास साइन थीटा भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया. अब आपके पास बचता है डी एल. डी एल निकालने से पहले यू शुड नो वट इज एल. अब देखो एल निकालेंगे यहाँ से, एल बाय ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज सेम ट्रायंगल पे चल रहे हैं. एल बाय ए क्या होगा, टेन फाइव. परपेंडिकुलर बाय बेस इज टेन फाइव. एल बाय ए इज टेन फाइव. एल निकालो यहाँ से, ए इंटू टेन फाइव. डी एल बाय डी, हमने डी एल चाहिए था ना, डी एल बाय डी फाइव डिफ्रेंशिएट कर दो इसको. डी एल बाय डी फाइव क्या होगा, ए एज इट इज, टेन फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्केयर फाइव. तो डी एल क्या आ जाएगा, डी फाई को उधर ले आओ, ए सिकेंड स्केयर फाई. अब देखो आपके पास सारी टर्म्स आ गई, आपके पास साइन थीटा आ गया कॉस फाई के बराबर, आर आ गया ए सिकेंड फाई के बराबर, डी एल आ गया आपके पास ए सिकेंड स्केयर फाई के बराबर, डी फाई के बराबर. इसको 2, 3 और 4 इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे. नाउ सी आफ्टर पुटिंग व्हाट विल हैपन. म्यू नॉट क्या था, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर. डी एल की जगह आपने क्या पुट किया, ए सिकेंड स्केयर फाई डी फाई. साइन थीटा की जगह कॉस फाई, रोपॉन में आर स्केयर था, तो ये बन जाएगा ए सीकेंड फाई का होल स्केयर, मीन्स ए स्केयर सीकेंड स्केयर फाई. ये बन गया आपके पास, कटिंग कर दो, ए से ए स्केयर कटा तो अपॉन में ए आ गया, आई एज इट इज, सीकेंड स्केयर फाई से सीकेंड स्केयर फाई कट गया, ऊपर क्या बचा, कॉस फाई, और क्या बचा, सिर्फ डी फाई. तो क्या आ गया आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाय ए कॉस फाई डी फाई.
अब हमने तो पूरे कंडक्टर की वजह से निकालना है, हमने तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से निकला, टॉपिक क्या था हमारा पूरा करंट इसकी वजह से निकालना है कंडक्टर की वजह से। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया हम यूनिट बाय 4 पाई आई बाय कॉस पाई डी फाई। अब लिमिट्स क्या होंगी फाई की, फाई की लिमिट्स देखो क्या है, फाई एंगल एजेस पे कितना, हमने पूरे पे निकालना था ना, अब एजेस पे एंड पॉइंट्स पे कितना है, एंड पॉइंट्स पे एंगल कितना है नीचे की तरफ फाई वन और ऊपर की तरफ कितना है फाई टू। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड एंगल को आप नेगेटिव ले लो, माइनस फाई वन टू फाई टू। तो हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, लिमिट्स क्या होंगी इसकी, माइनस फाई वन से फाई टू। म्यूनट बाय फोर पाई आई बाय कॉन्स्टेंट टर्म्स है, कॉस फाई की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई वन से फाई टू तक। म्यूनट बाय फोर पाई आई बाय ए साइन अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट, साइन ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास वैल्यू, म्यूनट बाय फोर पाई आई बाय ए साइन फाई टू प्लस फाई वन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का मैंने आपको बताया था, डी एल से आर तक घुमाएंगे स्क्रू को, घुमाओ डी एल से आर तक, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डी एल ऊपर की तरफ, आर इधर की तरफ, डी एल ऊपर की तरफ और आर इधर की तरफ, घुमाओ स्क्रू कहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। डायरेक्शन क्या आ गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, हाउ यू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ राइट एंड स्क्रू रूल। नाउ वी विल डू सम स्पेशल केसेस, सपोज कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मान लो कंडक्टर की लेंथ बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो देखो क्या था कंडक्टर, ये ऊपर से फाइव वन एंगल बना रहा था, फाइव टू बना रहा था, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा ना, ये लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ने का मतलब है ये एंगल बढ़ता जा रहा है, येस और नो, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा फाइव वन नाइन्टी। सिमिलरली ये भी ऊपर से बढ़ रही है वायर, बढ़ती जा रही है, एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, कितना हो जाएगा मैक्सिमम 90, तो फाई वन और फाई टू क्या हो जाएंगे 90। इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में आप फाई वन फाई टू को क्या पुट करोगे 90, पुट करो साइन 90, साइन 90 क्या बन जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा म्यूनट बाय 4 पाई 2 आई बाय। यू नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज आपके पास नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ होने वाले। नाउ व्हेन द पॉइंट पी इज़ क्लोज टू वाई, मान लो पॉइंट पी यहाँ पर है, मतलब x से दूरी पर है, x से डिस्टेंस पर है, y के पास है, जिससे डिस्टेंस पर है तो वहाँ फाई वन एंगल क्या हो गया 90, और जिसके पास है फाई टू क्या हो गया 0, ऊपर वाला एंगल फाई टू था, नीचे वाला क्या था फाई वन, जिसके पास है y के पास है तो फाई टू 0, फाई वन 90, और अगर x के पास है तो फाई वन 0, फाई टू 90। पुट कर सकते हैं हम, देखो वैल्यू इसको पुट करो तो आपके पास म्यूनट बाय 4 पाई आई बाय ए आ जाएगा। व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द कंडक्टर, अगर यहाँ पर कंडक्टर पर लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, फाई वन और फाई टू 0 हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट ये यहाँ आ गया, मतलब ये पॉइंट ही बेसिकली आपकी यहाँ से एंगल थे ना, ये पॉइंट ही बेसिकली यहाँ आ गया, तो फाई कितना हो गया 0, फाई टू भी 0 हो गया, साइन 0 प्लस 0 0, और साइन 0 प्लस साइन 0 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर इज 0। सो दिस वॉज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द बायट-सेवर्ट लॉ। वी विल डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, सपोज आपको एक लूप दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ स्केयर, ठीक है, स्केयर की साइड है 2a, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ओ, दैट मीन्स एट द सेंटर। देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी आप ना, आप ये पार्ट लो वायर का सिर्फ ए बी, भूल जाओ बाकी लूप को, ए बी वायर लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना, कितना एंगल बना रहेगा ये देखो, एजेस से एंगल देखना है, एंड पॉइंट से एंगल देखना है फाइव वन फाइव टू के लिए 45 45, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा म्यूनट बाय 4 पाई आई बाय साइन फाइव वन प्लस फाइव टू होता था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 45, साइन 45 वन बाय रूट टू, साइन 45 वन बाय रूट टू, सॉल्व करोगे रूट टू आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस वायर की वजह से कितना होगा, इतना हो जाएगा चारों की वजह से, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर, इन चारों की वजह से कितना हो जाएगा 4 times। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई करके आपके पास सेंटर पर इस पूरे स्केयर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। थैंक यू।